हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज गौतम। एक्सरसाइज 1.1 में मैंने हर एक क्वेश्चन कराया है, आप वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। वैसे तो ये आपको टॉपिक आता होगा, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है? तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है, इसके 5 पार्ट थे, बाकी के 4 पार्ट आप अपने आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगी। मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ में उतना ही मास्टर होते जाएंगे, ठीक है? तो देखो इसने ऐसा क्या बोला, इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, एक्सप्रेस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस नंबर को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, कि जो मैं कुछ ऐसे नंबर लिखूँ जो कैसे नंबर हो, प्राइम नंबर हो, उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, मेरा 140 आ जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसको, मैं इसका मैं अलग से एक एलसीएम ले सकता हूँ, जो आप जानते भी होंगे एलसीएम कैसे लेते हैं हम। जैसे 140 का मैंने अलग से एलसीएम ले लिया, पहले किससे आएगा, 2 से आएगा। यहाँ पर हमेशा कैसे नंबर आते हैं हमारे, प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर मतलब कैसे नंबर, जो सिर्फ और सिर्फ अपमीटर से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, बस उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। तो 2 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 70 टाइम जाएगा पूरा पूरा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप अलग से डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको आनी चाहिए। समझ में आया? अब मैं 2 से, अब अगेन मेरा 2 से डिवाइड चला जाएगा, तो अब अगर नेक्स्ट मेरा 2 से डिवाइड कितनी टाइम जाएगा, 35 टाइम जाएगा मेरा। अब 35 में मेरा 2 से डिवाइड जा नहीं सकता, तो मेरा किससे डिवाइड जाएगा, 3 से भी नहीं जा सकता, क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है। तो अब मेरा नेक्स्ट किससे डिवाइड जाएगा, इसमें 5 से डिवाइड जाएगा, 5, 7 या 35, ठीक है? इसके बाद मेरा कैसे डिवाइड जाएगा, 7 से डिवाइड जाएगा। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, मैं इसका आंसर ये हो जाएगा मेरा 140 इज़ इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। और इसको मैं किस फॉर्म में ले सकता हूँ, मेरे जब 2 और 2 दो बार 2 आ रहे हैं, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा मेरा ये सिंपल, और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। हेयर इज़ योर आंसर, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।